गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग डेली 5 मिनट दे के साइंस के 5 नए कंसेप्ट सीखते हैं और अभी तक हम लोग टोटल 125 कंसेप्ट सीख चुके हैं। आज हम लोग जो नए 5 कंसेप्ट सीखेंगे ये 5ों न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का 5 वर्ड क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला वर्ड है इंजेशन। इंजेशन का मतलब ये होता है अंतग्रहण। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन साइड माउथ और बक्कल कैविटी इज नोन एज इंजेशन। क्लियर है ना बच्चों? अब चलिए, जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसको ट्रांसलेट करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? आई ईट फूड, आई टेक फूड, आई स्वेलो फूड, आई इंगल फूड और आई इंजेस्ट फूड। क्लियर है ना बच्चों? तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना बच्चों? ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा न्यूट्रिशन का। तो अब आप लोग समझ गए कि इंजेशन क्या होता है। आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आज का डाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन। डाइजेशन क्या बोलते हैं? पाचन। अब डाइजेशन क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू ए स्मॉलेस्ट वन इज नोन एज डाइजेशन। अब जब हम फूड पार्टिकल की बात करेंगे ना बच्चों, तो फूड के रूप में हम सिर्फ 5 चीज ही लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो इनमें जो लास्ट के दो है ना, विटामिन मिनरल्स, दीज आर एब्जॉर्ब इन बॉडी एज सच इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जो डाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना हम लोगों को बच्चों, यही जो 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं को हम लोग को किस चीज में तोड़ना होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब आइए इसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो ये चेंज हो जाएगा मोनोसेकेराइड में। किसमें? ग्लूकोज में। उसी तरह प्रोटीन आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन चेंज इनटू अमीनो एसिड। तो अगर हम लोग कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं और ये हमारे बॉडी में टूटते टूटते अमीनो एसिड बन गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि नाउ प्रोटीन इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट क्या बच गया? फैट और लिपिड। फैट और लिपिड डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, ठीक है बच्चों। क्या है ये? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज ए टाइप ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? आइए अब हम लोग देखते हैं आज का अपना और कंसेप्ट की और हमारा कौन कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चे क्या देख लिया? इंजेशन देख लिया और डाइजेशन देख लिया, ठीक है बच्चों। अब एक और टर्म है वो कि आप लोग को जानना चाहिए, वो टर्म है बच्चों इजेशन। क्या है? इजेशन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक्सक्रीशन जानते हैं ना हम लोग, उत्सर्जन। तो एक्सक्रीशन का ही सिनोनिमस वर्ड है इजेशन। अब कैसे था? फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन, उसी तरह दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या है? लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और अनडाइजेस्टेड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज इजेशन। क्लियर हो गया ना बच्चों? आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं इजेशन को, ठीक है। अब देखिए यहां अगर गौर कीजिएगा तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है जो एनस के रास्ते बाहर निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज आल्सो द सिनोनिमस वर्ड ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है बच्चों। अब आइए एक और वर्ड है जो इससे मिलता जुलता वर्ड है, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं जब इतना कुछ देख लिए। तो एक वर्ड है बच्चों एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, इसको समझिए। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं बच्चों? अवशोषण। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद फूड का क्या होता है? तो डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड विद इन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। आगे बात समझ में आपको बच्चों? इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण। अब यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा जो धीरे धीरे हम बताएंगे। अभी आप लोग ये पूछ सकते हैं, इतना ही जानिए कि सर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो देखिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। हम लोग के माउथ से ही पार्शियल एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लिया या फिर कोई लिक्विड फूड लिया, तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? हम लोग के ये टंग है उसमें ही एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन हुआ, वो टंग्स पे ही एब्जॉर्ब हो सकता है, हो जाता है। मतलब कहने का इतना है ना कि जैसे डाइजेशन का हम बात करते हैं ना, तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। उसी तरह सम पार्ट्स ऑफ फूड आर एब्जॉर्ब इनसाइड आवर माउथ, ये हम लोग बोल सकते हैं। मतलब पार्शियल एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है हमारे टंग से ही, ठीक है। फाइनल एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बच्चों? तो हम लोग जो बात करते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है ना बच्चों, वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है वो जो बचा खुचा कुछ पार्ट रहता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है बच्चों, होप आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कंसेप्ट देखेंगे।